इश्क मुर्शिद का ये मैंने लिख के जब दिया तो इत्तेफाक से वो गाना ऐसा लगा कि इश्क मुर्शिद का जो ओएसटी था ना, जो पहला वाला था, वो लोगों ने चलाना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, चलाना। हमने कहा ये तो दब जाएगा, दूसरा वाला जो है ये दबा ओके नहीं है, टाइसन था अंदर से निकला, ये नॉकआउट करते हो ना, या तो ये इसने अपना काम दिखा दिया जो भी था। और जितना भी कुछ था, जाने तमन्ना मन्ना कौन लिखता है, जीवन विमन ऐसे ही लिख दिया था मैंने ये जो है। अब जो लोग कहते हैं ना ये बड़ा कोई हिंदुआना लफ्ज लिखे हैं, वही तो यार हिंदू मैंने आना वजन, अल्फाज तो नहीं है हाँ ना वो था अमर, अमर नहीं बोलते ना हम लोग, उर्दू आपकी में, तो हर जिंदगी किस अमर हो गई नहीं नहीं, हम होता तो ना, ये बोलते अक्सर कर लेते हैं कि यार ये तो तुमने, जीवन भी नहीं बोलते आप, जिंदगी बोलते हैं हम लोग पाकिस्तान, हम लोग ये बात पाकिस्तान है सही जिंदगी है, बोलते हैं, जीवन साथी तो कभी कभी बोल देते दुआ नहीं में लोग, बोलते। नहीं लेट्स बी वेरी सीरियस, नहीं ये बोलते बात हैं भी सही है, अब मैं सोच जीवन, रही नहीं हूँ तो। बोलते हाँ हम लोग। तो जो आपने तो अब अब पिक्चराइज क्यों ना, जीवन बोला, अब अमर क्यों बोला, क्योंकि ये वजन के वो लफ्ज थे जो मैंने निकाल के रखे थे कि इसके ऊपर जीवन क्या तो जिंदगी क्या बन नहीं सकता, वो जीवन अच्छा लगेगा उसके ऊपर। ओके अच्छा, तो गाना जब आपने पिक्चराइज हुए हुए देखा ड्रामे में अपने सामने, तब कुछ आपके दिल को हुआ, मैंने बना के तब कुछ दिया, मैंने मोहब्बत, बना के आई दिया, नो, लेकिन वो आपने मैंने लगा के दिया है सीन के ऊपर, मैंने इंजॉय किया सीरियसली पहले, इन सबसे पहले हाँ आप सब लोगों से पहले मैंने इंजॉय किया उसको। ओके, तो आप दादा जो के साथ देखे बिलाल हुए बैठा थे? हुआ है पार्क के हाँ अंदर और छतरी खोलता है, पीछे दुर्रे पे शाह के खड़ी होती या है, या ये मैंने लगाया सीन के ऊपर, दादा के साथ अप्रूवल लिया है, दादा ने कहा ओके डन, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह वाह वाह। वो ओ कह रहे मुझे देख ये समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ ये गाने के अंदर है कुछ है, तो देख इतना अच्छा लग रहा है, मैं यार बहुत अच्छा लग रहा है। भैया हम लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं ठीक है और ये डर के साथ कि ये रात को रिजेक्ट भी हो सकता है कि नहीं भाई ये हाँ, नहीं लगेगा म्यूजिक, ये निकाल दें लेकिन आप, अप्रूव हो गया वो। मगर किसी ने कुछ बोला ही नहीं, निकल गया वो, चल गया एपिसोड में, फिर उसकी डिमांड आ गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर उन्हें कहा एक दिन उन्होंने बोला ये गाना कंप्लीट नहीं, उन्हें कहा ये गाना हम लोग रिलीज करना है, क्या रिलीज क्या करोगे, अस्थाई रिलीज करोगे क्या, रिलीज करना है यार वो लिख दे इसके ऊपर कुछ यार फिर अंतरा बना आपने दो, उसको पूरा फिर किया। फौरन नूरे जहां और फौरन ये और फौरन वो कर दिया। सो व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग और क्यूट, या सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग, क्या आपने इस पे कोई बात सुनी है, देखी है, कोई इसका वर्जन सुना है क्या? बच्चे जो इतने छोटे छोटे अभी निकले नहीं है बाहर, वो नूरे नूरे जहां कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल हाउ डू यू रहे, फील? ओ माय गॉड इट्स अमेजिंग। देखो मैं तो सबको जो अभी आप टैग कर देंगे ना गा के, ये आज इंस्टा के मेरे पेज पे लगा होगा, नहीं, हाँ मैं नहीं गा के मैं टैग करूंगी किसी को भी लगा देता हूँ और मुझे शौक है वो जो जो चाहे मेरी अच्छा नजरों भी से, नहीं गा रहा हो। हाँ मेरा बस मैं कहता हूँ जिसने वाओ इसने इसने कॉपी किया उसको लगा दो बस, डिजर्व करता ही, तो वो इतना, अब मैं आपको बता नहीं सकता वो इतना कुछ होता है दिन में मेरे पास मटेरियल देखने के लिए कि अब लगता है कि यार हाँ सबको तो लगा ही नहीं सकते, चुन के लगा रहे होते हैं। इंडियंस गिवन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस सॉन्ग, यस यस, मैसिव। खुदा मोहब्बत का वेस्टी, वो भी सो पॉपुलर माशाल्लाह से, एंड पीपल जस्ट लव्ड इट। उसके पीछे कोई कहानी है, कोई प्रोसेस, कोई सिस्टम? सिस्टम बस यही है कि खुदा और मोहब्बत इट सेल्फ, हाशिम नदीम का जो लिखा हुआ है जिस तरह उन्होंने नॉवल लिखा है, ये होती टीम वर्क ही है, यू नो मैनी गट गुड गुड एक्टर्स, फिर मैंने उसके ना खुद भी एक्टिंग की है खुदा और मोहब्बत सीजन वन के अंदर, तो म्यूजिक का उस वक्त बड़ा क्रेज था मुझे, था उस वक्त आई वॉज अच्छा, अब मुझे लगता है कि कंपेरेटिवली मैं उस वक्त ज़्यादा क्रेजी था म्यूजिक के पीछे, अब थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया हूँ, बट ये कि शौक उतना नहीं है कि जितना आपको कहते हैं मुझे कि आप लगता है 24 घंटे इट्स मोर ऑफ अ प्रोसेस फॉर यू नाउ, एग्जैक्टली मुझे लगता है कि यार अब बस निकालना है, चीज़ें करनी है, बट आई बट थिंक माशाल्लाह से उस पर भी आप इतनी जबरदस्त से जबरदस्त चीजें निकाल रहे हैं, छक्के पे गॉड इज छक्का गुड। लगा रहे हैं, तो फिर बट तो ये देखिए मैं आपको बताऊं कि हम बहुत सारी चीज़ें डिसअपॉइंटेड हैं, मैं कहता हूँ यार मेरा ये गाना ज़ाया हो गया, चाहे वो ड्रामे में लगा है ना ज़ाया हो गया, क्योंकि वो ड्रामे का आउटलुक इतना छोटा था कि वो गाने का सूट ही नहीं किया है उस बास जगहों पे ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ द लेकिन लेकिन ड्रामा। उसके बरक्स, जो वही आपकी एक और जगह भी मैंने कॉन्वर्सेशन सुन रही थी कि ओ एस टीज वर्सेज रिलीजिंग सॉन्ग्स एज अ सिंगल और एज अ एल्बम, डू यू रियली थिंक ये तब चल जाता या पोटेंशियल या ज़्यादा कवरेज मिल जाती है अगर आप उसको ऑन इट्स ओन किसी भी गाने को रिलीज कर दे, किसी भी ओ एस टी इट्स को? वेरी हार्ड फॉर बिकॉज मी टू इट वॉज योर ओन पॉइंट के, क्योंकि ड्रामा हर हफ्ते आ रहा होता है, उससे जो माइलेज मिलती है वो शायद एक स्टैंड अलोन गाने को या सिंगल को नहीं मिल रही है। एक्सपोजर तो ज़्यादा है ये तो मानना पड़ेगा, बट फिर वही कि वो उसमें और दूसरा गाना भी था उसको क्यों नहीं मिली, तो कुछ बात तो थी बिल्कुल, बात तो थी। है, कुछ तो थिया इसके अंदर। और ये कि साथ साथ ना ये होता है कि आपको सब चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है कि आपको फ्रेम, एक म्यूजिक डायरेक्टर को अगर अच्छा फ्रेम मिल जाए ना तो उसके गाने के साथ इंसाफ होता है, तो वो फ्रेम बिलाल और दुर्रे फशाँ ने सही बना के रखा ना उस फ्रेम को, ये टीम वर्क ही था कि नजर आया कि हाँ यार कपल भी खूबसूरत लग रहा है, गाना भी खूबसूरत लग रहा है, फ्रेम भी अच्छा है,
डालना बहुत ज्यादा नहीं, वो ड्रामे में नहीं आया, ड्रामे में आ गया है। अच्छा, मुझे मगर ये कि वो अब उसका पूरा ही कंप्लीट ही वर्जन होगा। अब वो जो अभी लास्ट वर्जन डाला था उसका मसला ये था कि मुझे वो डालना था, स्लॉट खाली था उसमें। धुरे फशा वाज बेसिकली सेइंग यस टू द फीलिंग्स यू नो, तो वो फ्रेम में फिर हर जगह मेरा ही मेल लगा था। तो मैंने फबिया को बोला, बेचारी वो आई, उसने रातों रात, दो उसकी ये कैपेसिटी नहीं थी जो ये गा के गई है। बट ये कि यू नो आई हैड नोबडी एल्स, के वो फबिया आई रिस्पेक्ट इन दैट वे के जहाँ उसने ये सब चीज़ें डिलीवर भी की हैं, एंड देन वो चला भी। और अभी भी ये टिकटॉक ने तो भाई कमाल किया है, तौबा। तो मतलब हर जगह हर चीज़ के पीछे है ये। आई कुडंट बिलीव दैट। या ठीक है जी, अब मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है। हाँ, खत्म हो गई। फाइनली क्या सुनना चाहेंगे आप? पहले तो आप फैंस की, मैं आपको कहो एक दिन की एक लाइन सुनाता हूँ जी, और इसकी भी एक लाइन सुनाता हूँ। ठीक है। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आँखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन आई जस्ट सिंग दैट मच लाइंस। या सामने आप बैठे हुए गा रहे हैं तो उसका तो बात ही कुछ और है। उसका वो थैंक यू सो मच। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म मैं, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। गाएंगी? तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूँ, तेरा मेरा है प्यार अमर। वाओ, थैंक यू, ग्रेट। और कुछ?